टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के जो चार मेथड हैं सॉल्व करने के, उसके पहले मेथड में हम सॉल्व कर रहे थे, पहले मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे थे। क्योंकि इस मेथड में हमें एक छोटी सी टेक्निक ध्यान रखकर इक्वेशन को इंटीग्रेबल बनाना है, तो कुछ और सवाल लेते हैं इसके, तो इससे मेथड का अच्छा सा समझ में आ जाएगा हमें कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करें। यहां मैं लिखता हूं एक इक्वेशन वाई जेड लॉग जेड वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई लॉग जेड डी जेड एक्स वाई डी जेड है, एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू जीरो ये है हमारा करंट है वो हमारे इस क्वेश्चन में आपका रिविजन हो जाएगा। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी फिर है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग लॉग एक्स
माइनस लॉग वाई और प्लस ये क्या बना आपका लॉग जेड का डेरिवेटिव ऊपर मतलब रख दिया अपन ने, आ गया अपने पास इस फॉर्म में रख दिया अपन ने लॉग ऑफ लॉग जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा हमारा और ये क्या बन गया आपका लॉग हटाएंगे तो एक्स अपॉन वाई लॉग ऑफ जेड इज इक्वल्स टू सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स थी इस इक्वेशन की वी हैव टू राइट, ये जो थर्ड स्टेप है हमारा कि आप इस इक्वेशन को रीराइट करें या इस इक्वेशन को इस तरह से जमा के लिखें या किसी से गुणा या भाग करा कर देखें ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ये बहुत जरूरी चीज थी। आई एम टेकिंग सम मोर क्वेश्चन, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पावर वन बाई टू डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ये पी है आपका, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है, तो ये एक टोटल इक्वेशन है। तो हियर आप राइट लिखिए इसको, इट इज ए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी जो यहां पर लिखी थी मैंने वही यहां पर आएगी और आप इसको होल्ड लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन ऑफ जो इंटीग्रेबिलिटी है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होल्ड्स। इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंजिंग रीराइटिंग। ये इसको किस तरह से लिखें कि ये इंटीग्रेबल बन जाए, तो ये एक्स डी एक्स और वाई डी वाई, ये एक्स वाई की टर्म आ रही है आप इसके साथ लिख दीजिए, तो ये इस तरह से बन जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस का डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो स्टेप थी वो इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारी कि हम इसको किस तरह से यहाँ पर लिखें। ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, शॉर्टकट आप चाहें तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो ये तो कांस्टेंट है, ये माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू टू टी डी टी। तो ये टू से टू कैंसिल हो गया और आपके पास ये जो ऊपर की टर्म है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का टी डी टी। तो आप ये यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का टी डी टी अपॉन क्या बच गया, ये टी बच गया और माइनस का डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए फोर्थ वन ऑन इंटीग्रेटिंग। हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका माइनस ये तो बन जाएगा टी और माइनस कॉमन इधर भेज देंगे प्लस जेड इज इक्वल्स टू सी, ये आपके पास आ गया और करके आप टी का वैल्यू लिख दीजिए। आपने टी स्क्वायर बराबर ये माना था तो ये अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू सी, ये आंसर है। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर, जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी वाई और प्लस
एक क्वेश्चन है आपके साथ, 1 माइनस जेड स्क्वायर इनटू में है, मैं इधर लिखता हूँ इसको, वाई माइनस साइन एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ये आपका p है, ये माइनस साइन के साथ ये जो टर्म है वो आपकी q है, और ये पूरी जो टर्म है आपकी वो r है। तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए, और x यहाँ पर दो जगह एक्स वाई की टर्म आ रही है, एक जगह जेड की टर्म आ रही है, तो जेड टर्म को जेड के साथ रख दीजिए और एक्स वाई की टर्म को साथ लिख दीजिए। तो क्या बना आपके पास, कॉस एक्स, सबसे पहले तो चाहे तो आप ये मार्क कर दीजिए, इट इज फर्स्ट स्टेप, इट इज टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होल्ड्स, एंड कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी होल्ड्स। अब हम इसको रीराइट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप साफ आ गई, सेकेंड यहां पे थर्ड स्टेप में आप क्या करिए, रीराइटिंग, ताकि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में बन जाए, रीराइटिंग द इक्वेशन। तो आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, कॉस एक्स डी एक्स और माइनस डी वाई, यहां से दोनों में से जो कॉमन आया जेड प्लस जेड स्क्वायर, उसको हम जेड के साथ लिख देंगे, और डी जेड का जो है टर्म वाई माइनस साइन एक्स, इसको इधर लिख दीजिए, और प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर जो जेड जेड की टर्म थी उसको नीचे लिख देते हैं, ये ऊपर 1 माइनस जेड स्क्वायर तो ऊपर ही आएगा, और जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड प्लस जेड स्क्वायर को भी आप इस तरह से लिख दीजिए, डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको आप देखें तो ये क्या टर्म है, ये है आपका 1 माइनस जेड और 1 प्लस जेड अपॉन जेड इंटू 1 प्लस जेड। तो ये 1 प्लस जेड से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहां पर जो टर्म है वो क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी मेरी 1 अपॉन जेड माइनस जेड। तो ये टर्म तो ये आ गई dz के कॉफिशियंट के साथ, तो ये टर्म आ गई, और यहां से आप देखें तो ये y माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हमारे पास उपलब्ध है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन तो कॉमन आ जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ऑन इंटीग्रेटिंग, माइनस बाहर ले लेंगे तो ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा आपको, log y माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, और प्लस ये 1 अपॉन जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ जेड, और इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये जेड नहीं बचेगा यहां पे आप देखें तो ये 1 बचेगा, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड आ जाएगा, माइनस जेड इज इक्वल टू log ऑफ सी। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ये आपका लोग को आप यहां से हटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन माइनस का लोगे तो 1 अपॉन नीचे जाएगा y इंटू साइन एक्स, या इसको प्लस का कर दीजिए तो y माइनस साइन एक्स और ये माइनस का हो जाएगा, ये भी इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नीचे सी जेड चला जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का जेड ई रेस्ट टू द पावर माइनस जेड बन जाएगा।
लोग हटाएंगे तो, और ये आपका आंसर होता है। तो ये जो स्टेप थी यहाँ पर रीराइट करने की, यही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आप देखिए ये जितने भी सवाल हैं हमारे बाय इंस्पेक्शन मेथड के, इनमें हम जो कर रहे हैं वो रीराइटिंग की जो स्टेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ जैसे मैंने मार्क रखा है आपका, इसमें आप ये जो डिवाइड करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले सवालों में भी आप ये जो रीराइटिंग वाले स्टेप्स है इनको आप आराम से देख लीजिए। इस फर्स्ट मेथड के बाद हम जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम देखेंगे कि हम एक्सिलरी इक्वेशन, नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम एक्सिलरी इक्वेशन बनाकर इनको कैसे सॉल्व करें।